सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपने वीवो Y33S मोबाइल में फिंगरप्रिंट ऐप लॉक सेट कर सकते हो, यानी कि अपने ऐप लॉक में फिंगरप्रिंट को ऐड कर पाओगे, जिससे कि आपका ऐप लॉक जो है वो फिंगरप्रिंट से भी ओपन हो जाएगा। तो गाइज, इसके लिए आपको करना है कि आपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करोगे गाइज तो इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, आपको जाना है अपने सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में। तो सबसे पहले आपको ऐप को लॉक कर लेना है, तो सिक्योरिटी पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख पा रहे हो सिक्योरिटी लिखा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिला है प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन का। तो देख पा रहे हो लिखा हुआ है प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद गाइस देख पा रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है ऐप इंक्रिप्शन का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको ऐप इंक्रिप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर जितने भी ऐप्स को आपको लॉक करना है उसको यहाँ से इनेबल कर दीजिए। मैंने यहाँ पर देखिए 6-7 ऐप्स को जो है लॉक कर रखा है। तो आपको इनेबल करने के बाद गाइस आपको एक सेटिंग करना होगा, जिससे कि आपका फिंगरप्रिंट भी ऐड हो जाएगा। यानी कि इनको इनेबल करने के बाद आपके ऐप्स तो लॉक हो चुके हैं, लेकिन अभी फिंगरप्रिंट ऐड नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है बैक, और बैक जाने के बाद यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी के अंदर ही यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है फिंगरप्रिंट का। देख पा रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है फिंगरप्रिंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना पैटर्न डाल देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है आपको दूसरे नंबर पर ऊपर से, प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन का। इस वाले ऑप्शन को आपको इनेबल करना पड़ेगा। इसको इनेबल करने के लिए इस पर क्लिक कर देना है और अपने पासवर्ड को डाल देना, जो भी आपका ऐप लॉक का पासवर्ड है। उसके बाद गाइस देखिए यहाँ पर जो है आपका ये ऑप्शन इनेबल हो चुका है। अब गाइस आपके ऐप लॉक में भी फिंगरप्रिंट जो है ऐड हो चुका है, यानी कि आप जब भी ऐप लॉक को ओपन करोगे तो आप फिंगरप्रिंट से भी ओपन कर पाओगे।